व्हाट्स अप यूट्यूब, मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हो बीस्ट फिटनेस। अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक करो, दिख रहा हो आपको, ठोक दो सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन को दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके फोन पे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, समीर खान फिटनेस 076 नाम से अकाउंट है, फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वीडियो के, फॉलो कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो फिटनेस से रिलेटेड। तो गाइस आज की वीडियो में आपका वेलकम। गाइस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए इंस्टाग्राम पे और उस पे एक ही सवाल रहा सबका। गाइस उस पे सवाल था कि गाइस अगर हमें गेनिंग करना है या हमें साइज गेन या बल्किंग करनी है तो हम कौन सा सप्लीमेंट स्टैक चलाएं। गाइस थोड़ी सी आवाज़ भारी आ रही हो क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा को इग्नोर नहीं डालें, इग्नोर करें, आवाज़ थोड़ी भारी आ रही होगी। तो गाइस चलो बात करें अपने टॉपिक की कि सप्लीमेंट। गाइस मैंने गेनिंग पे बहुत सारी वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप अपनी गेनिंग कर सकते हो, उन सब वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके आप देख सकते हो फूड की। तो गाइस फिर भी क्वेश्चन आए कि हम सप्लीमेंट कौन से चलाएं, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट कौन से चलाएं और कौन से हमारे लिए अच्छे होने वाले हैं। तो आज मैं आपको टॉप 5 गेनिंग सप्लीमेंट बताने वाला हूं, टॉप 5 गेनिंग, साइज गेनिंग, बल्किंग, वेट गेनिंग, कुछ भी आप कह लो, वेट गेनिंग तो नहीं कह सकते, साइज गेन और बल्किंग में आज आपको 5 सप्लीमेंट बताऊंगा, यानी सप्लीमेंट स्टेप कि कौन से आपको लगने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी और डिपेंड करता है कि हमें कौन से सप्लीमेंट लगेंगे। अगर आप गलत सप्लीमेंट लोगे तो भूल जाओ कभी आपका साइज गेन होने वाला है या फैट लॉस होने वाला है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, 5 सप्लीमेंट बताऊंगा, अलग अलग रहेंगे पांचों। तो गाइस जिसमें हमारा सबसे पहले जो गाइस आएगा वो आपको पता है ये है हमारा गाइस वे प्रोटीन। मेरे पास ऑन का है, ध्यान रखें गाइस मैं बोल रहा हूं वे प्रोटीन, वे प्रोटीन बोल रहा हूं, ये मत सोचना आपको यही वाला लेना है, कोई भी वे प्रोटीन, बस गाइस कॉन्सेंट्रेट हो या आइसोलेट हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। तो गाइस ये वे प्रोटीन आपको इसलिए लेना है क्योंकि गाइस बिना वे प्रोटीन के आपके पास जब बॉडी प्रोटीन जाएगा नहीं तो आपकी मसल्स बिल्ड नहीं होगी, आपका फैट लॉस नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो आपको ये लेना ही लेना है किसी भी हालत में, वे प्रोटीन कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी वे प्रोटीन हो वो आप ले सकते हो, बट वे प्रोटीन लेना है आपको, ठीक है गाइस। ये है ऑन का है गाइस गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे प्रोटीन, वे प्रोटीन आइसोलेट प्राइमरी सोर्स। गाइस ये वैसे आप इसको ले सकते हो, इसको अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके खरीद सकते हो, क्योंकि गाइस इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोटीन माना जाता है ये वाला, क्योंकि इसमें BCAAs भी है, ठीक है गाइस, आपका ग्लूटामिन भी है, आपका प्रोटीन 24 ग्राम है इसमें एक स्कूप में। तो गाइस इसमें आपको लेना है क्योंकि बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोटीन है, आपको इसमें सब कुछ मिलता है, शुगर बिल्कुल नहीं है, कार्ब्स बिल्कुल नहीं है, कैलोरी बिल्कुल नहीं है, ओनली ऑन प्रोटीन है, क्योंकि गाइस बिना प्रोटीन के आप भूल जाओ, प्रोटीन आप फूड के थ्रू भी ले सकते हो, आप सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हो, बस सीधे ही बात निकल के आती है कि बिना प्रोटीन के आप अपनी बॉडी को कभी डेवलप नहीं कर सकते ना ग्रो कर सकते हो। तो वे प्रोटीन को ऐड करें फर्स्ट नंबर पे फॉर साइज गेन एंड बल्किंग के लिए, वे प्रोटीन होने वाला है। अब बात करें गाइस अपने सेकंड सप्लीमेंट की, सेकंड जो गाइस होगा वो होगा ये गाइस, ये जो सप्लीमेंट है ये है मल्टी वाइटामिन। गाइस मल्टी वाइटामिन इसलिए कि हमारे बॉडी में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, मैक्रोस माइक्रोस। तो गाइस मैक्रोस हम ले लेते हैं इसमें प्रोटीन कार्ब्स फैट आ जाता है हमारा, माइक्रोस को हम भूल जाते हैं, जिसके बिना अगर आपके माइक्रोस की कमी है बॉडी में तो आपकी बॉडी डेवलप नहीं होगी। अगर जिसकी बॉडी डेवलप नहीं हो रही है तो ध्यान रखें अपने जरा माइक्रोस पे फोकस करें गाइस। तो गाइस ये है मेरे पास है मसल टैप कंपनी का गाइस प्लेटिनम मल्टी वाइटामिन, 18 वाइटामिन मिनरल्स हैं गाइस इसमें, बाकी अमीनो सपोर्ट भी है 865 mg, 90 दिन की गाइस ये आती है करीब आपके तीन आपको चल जाएगी होगा। एक चीज आपको बता दूं, कोई भी मल्टी वाइटामिन लेना है आपको कोई भी कंपनी, अगर ये वाली लेना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है इसका, आप जाके इसको खरीद सकते हो, या कोई भी मल्टी वाइटामिन आपको लेना है, बस गाइस ध्यान रखें पीछे जो उसका ये फैक्ट आता है आपको दिख रहा होगा उसमें क्वांटिटी अलग अलग रहती है लेने की। इसमें गाइस है 3 टैबलेट्स पर डे, मतलब एक दिन में हमें 3 टैबलेट्स लेनी है इसकी। और गाइस अदर ब्रांडों की अगर हम बात करें उनकी मल्टीवाइटामिन आती है, कोई में 2 कैप्सूल लेते हैं गाइस टैबलेट एक दिन में, कोई में गाइस 1 रहती है, तो आप पीछे का जरूर चेक करें, यहां आपको ऊपर दिखा मिल जाएगा सबसे ऊपर जितना लिखा है उतना आपको 11 से 12 नाश्ते के बाद आपको लेना है, टैबलेट्स 3 नहीं लेना है। ये वाली अगर खरीदते हो देखो गाइस मसल टैक की है तो इसमें 3 लेना है, बाकी आप मसल विलेज या कोई भी ब्रांड पे जाते हो उस पर 1 रहती है, ऑन में 3 रहती है, अलग अलग रहता है, तो पीछे आप चेक कर लेना गाइस। तो कोई भी मल्टीवाइटामिन को ऐड करें, साइज गेन करना है या अपना बल्किंग गेन करनी है आपको, ठीक है गाइस। तो मल्टीवाइटामिन एनी ब्रांड बस आपको ऐड करना है। अब बात करें गाइस थर्ड नंबर की, तीसरे नंबर में गाइस जो सप्लीमेंट आने वाला है हमारा बल्किंग और साइज गेन के लिए वो होगा ये गाइस ओमेगा 3
मेरे पास वाव का है, वाव कंपनी का ओमेगा 3 है गाइस। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ गाइस क्योंकि हम इतना सारा सब कुछ लेंगे गाइस, तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है, हमें अपने हेल्दी हार्ट चाहिए, हमें अपने लीवर को सही रखना है, अंदर के जो हमारे बॉडी पार्ट हैं गाइस अगर वो ही सही नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी में कोई सप्लीमेंट काम नहीं करेगा, कोई आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो गाइस ये जरूर ऐड करें गाइस, ये आपकी इंप्रूव करेगा आपकी बोन्स में, आपकी ज्वाइंट हेल्थ में, जो आपके ज्वाइंट है आपके घुटने हैं, आपकी ये टोनी है, जहां जहां आपके ज्वाइंट है बॉडी के उसको मजबूत करेगा गाइस। और आपके जो पेन होता है दर्द में, कई लोगों के पीठ में होता है, नीज में दर्द होता है और गर्दन में दर्द होता है तो नेक में, तो वो उसमें जो हेल्प करने वाला है कि आपके सबको दर्दों को दूर करेगा, जो आपको एक हेल्दी हार्ट देगा गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हार्ट ही नहीं होगा तो क्या अपन जिंदा ले रहे हैं गाइस, नहीं रह पाएंगे। तो हाई हेल्दी हार्ट मिलने वाला है इससे आपको, ठीक है गाइस। और ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है गाइस, आपको पता है आजकल इंडिया में हार्ट अटैक आने की बहुत ज्यादा जितनी है संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। वो क्यों आ रहा है गाइस, हार्ट अटैक आने का एक रीजन है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो आपको हार्ट अटैक आने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो जम जाता है जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई नहीं हो पाती है, जो हमारा ब्लड है वो गाइस अंदर बॉडी की नहीं जा पाता है, हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, और जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो धड़कना बंद कर देगा, जब धड़कना बंद कर देगा तो आपकी सांसें रुक जाएंगी, और सांसें रुक जाएंगी तो आप, इसलिए गाइस जरा ध्यान रखें कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपने रखें। तो इसको जरूर ऐड करेगा, इसकी कोई एज नहीं है गाइस, जो मैंने मल्टीविटामिन दिखाई ये दिखाई, जिम करते हो ना करते हो आपको नहीं लेना है, कोई भी एज नहीं है, कोई भी ले सकता है, 90 साल तक का आदमी ले सकता है छोटे से लेके। तो गाइस ये है थर्ड नंबर में वाव ओमेगा 3, इसको अगर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट फिश ऑयल ओमेगा 3 है ये, पर आपको और कोई लेना है आप ले सकते हो, कोई भी फिश ऑयल आपको लेना है, ठीक है गाइस, कोई भी फिश ऑयल, ठीक है गाइस। अब बात करेंगे गाइस अपने चौथे सप्लीमेंट की, चौथा जो होगा गाइस वो होगा हमारा ये गाइस, इसका एक मिथ क्लियर करूंगा आपको लेके, दो तीन मिथ है गाइस इसकी कंफ्यूजन। बोलते हैं क्रिएटिन है गाइस, ये मेरे पास साइन न्यू कंपनी का क्रिएटिन है, आप कोई भी क्रिएटिन ले सकते हो, ऑन का आता है, हर कंपनी का क्रिएटिन आपको आता है गाइस। क्रिएटिन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के आते हैं, HCL कई प्रकार के आते हैं, लेकिन आपको कौन सा लेना है, आपको माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन लेना है या मोनोहाइड्रेट गाइस, आपको इसलिए लेना है क्योंकि ये पानी बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। और क्रिएटिन के गाइस जो मिथ है कि किडनी पे इफेक्ट करता है, वो बेवकूफ लोग हैं और गलत कहते हैं गाइस कि किडनी पे क्रिएटिन इफेक्ट करता है, क्योंकि गाइस हमारा कैसे करता है गाइस, हम इसको जब क्रिएटिन को लेते हैं हमारा पानी होल्ड कर लेता है गाइस एक बार, और फिर ये मसल्स में एनर्जी देता है गाइस। ये आप लगाओगे जब, जैसे आपने जिम के पहले लिया, पानी के साथ आपको लेना है, या कोई भी ग्लूकोन डी के साथ नहीं लोगे आप, प्री वर्कआउट के साथ ऐड कर लो, कोई भी चीज पानी के साथ ले लो, लेके जाओगे तो जब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो ये आपके ब्लड में जाएगा, ठीक है गाइस, आपकी मसल्स में स्टोर हो जाएगा, जाके जो आपकी मसल्स है उस पर स्टोर हो जाएगा, फिर जब आप वर्कआउट करोगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जहां आप 10 रेप लगा रहे होगे वहां 12-15 लगेंगे, जहां आप वेट 10 किलो चला रहे होगे वहां 15 लगेंगे, 15 किलो चल जाएगा आपसे वेट, इसलिए क्योंकि ये हमारी मसल्स में स्टॉक हो जाता है जाके, ठीक है गाइस, स्टॉक हो जाएगा, धीरे धीरे आपको ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना है क्रिएटिन गाइस कोई इफेक्ट नहीं करता है, मैं ये 100% कह सकता हूँ किडनी पे, पर आपको पानी होल्ड कर लेता है। जो ये बोलते हैं ये कटिंग में काम आता है, वो उनको गलत बोलते हैं गाइस, ये कोई कटिंग में नहीं है, साइज गेनिंग में भी ये काम आता है कटिंग में, क्योंकि वाटर होल्ड कर लेता है, मसल्स में लगा देता है, तो आपका गेनिंग अच्छे से हो सकती है। तो गाइस जिम के पहले इसको आपको लेना है पानी के साथ, या कोई भी ये अनफ्लेवर में आता है ये वाला खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और कोई भी आप क्रिएटिन कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, बस ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ दिन में एक टाइम लेना है 5 ग्राम का एक स्कूप, और पानी पे थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि पानी होल्ड करता है, तो आप पानी थोड़ा ज्यादा लें। ब्लड में गाइस ये जाके स्टोर हो जाता है, ब्लड हमारा फिल्टर करती है हमारी किडनी, तो ये तो गाइस जाहिर सी बात हो गई कि ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जब हमारा ब्लड किडनी फिल्टर कर रही है तो ये ब्लड में स्टोर हो जाता है बाद में जाके, ठीक है गाइस। तो मिट हटाएं हटाएं दिमाग से, कोई इफेक्ट नहीं करता है ये, उसको लें जिम के पहले, जिम के 30 मिनट पहले, अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी, वेट ज्यादा उठेगा और आपका अच्छे से आपको फोकस मिलेगा। गाइस लास्ट सप्लीमेंट की बात करने वाले हैं वो होगा ये, 5 नंबर गाइस हमारा आएगा स्काई वेशन कंपनी का गाइस मेरे पास एक्सटेंड BCAA। तो गाइस ये तो आप जानते हो कि नाम सुना ही होगा, नंबर वन हमेशा था है और रहेगा गाइस। BCAA क्या है, इसका फुल फॉर्म गाइस ब्रांच चेन अमीनो एसिड। गाइस ब्रांच चेन अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारी मसल के अंदर होते हैं, जिस तरीके से प्रोटीन का होता है वैसे ही हमारे मसल्स के एक सेल्सेस होते हैं, जो गाइस वर्कआउट करते में हमारे मतलब ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको इसका लेने का टाइम गाइस जिम के पहले ले सकते हो, जिम के बीच में, जिम के बाद में, लेकिन बेस्ट जो इसकी टाइमिंग है वो जिम के बीच में है गाइस। आपको इसको जिम के बीच में लेना है, 1 लीटर की बोतल है पानी की, उसमें एक स्कूप मिलाएं
और शेक करें, और जिम के करते करते आपको जब तक आपका वर्कआउट खत्म नहीं हो जाता, वो 1 लीटर की बोतल आपको पानी में खत्म करनी है, ठीक है गाइस। तो आपके अमीनो सेल्स ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि गाइस जब प्रोटीन हम लेते हैं तो उनको ब्रेक करते ही हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स में यानी अमीनो सेल्स में। तो गाइस ये इसके बिना आपकी मसल्स रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि गाइस ये मसल्स ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, सब आपकी रिकवरी अगले दिन के लिए भी सपोर्ट करता है, और गाइस सब कुछ। और गाइस इसके में 3 जो हमारे बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं गाइस, लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन। गाइस इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, फुल डिटेल में आपको देखना है तो जाके आप देख सकते हो। और गाइस मल्टीविटामिन की बनाई हुई है और इसकी बनाई हुई, सबके लिंक आपको मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें, पढ़ के जो भी आपको वीडियो देखना है वो देख सकते हो। तो गाइस लूसीन, आइसोलूसीन, वेलिन ये 3 अमीनो एसिड्स होते हैं और यही हमारी बॉडी में सेल्स रहते हैं, जब आप वर्कआउट करते हो तो ये ब्रेक हो जाते हैं। अगर आप अमीनो एसिड बीसी यानी ब्रांच एंड अमीनो एसिड BCAA नहीं लोगे तो आपकी मसल्स रिकवरी, सपोर्ट, ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखेंगे, 1 स्कूप इसका आपको लेना है पानी के साथ जिम करते के बीच में, एक्सटेंड BCAA बेस्ट आता है गाइस, खरीदना हो लिंक भी है और मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई वो भी है, तो कम एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें इसको गाइस लें आप। 7 ग्राम BCAA आपको मिलता है 30 सर्विंग वाटरमेलन फ्लेवर यानी तरबूज के फ्लेवर में, मेरे पास ये अवेलेबल है। तो गाइस ध्यान रखना है आपको लेस को। ये थे गाइस टॉप 5 सप्लीमेंट, पहले में गाइस हमारा था वे प्रोटीन, दूसरे में गाइस हमारा था मल्टीविटामिन, तीसरे में गाइस हमारा था फिश ऑयल ओमेगा 3, चौथे में गाइस हमारा था क्रिएटिन और पांचवें में हमारा था एक्सटेंट BCAA। तो ये टॉप 5 सप्लीमेंट थे गाइस फॉर गेनिंग एंड बल्किंग के लिए, दोनों में आप यूज कर सकते हो। आप इसको ऐड करें और अच्छी एक डाइट ऐड करें, क्योंकि बिना डाइट के कुछ नहीं होगा, ये सप्लीमेंट भी काम नहीं करेंगे। और गाइस क्रिएटिन से लेकर मैं हटा दें कि ये कोई इफेक्ट करता है, बेवकूफी वाली बातें हैं, इसमें यकीन ना करें, मास गेनर के चक्कर में ना पड़ें गाइस, बेकार की चीजें होती हैं। अगर आपको बजट है तो आप प्रोटीन पे पैसा वेस्ट करें, और अगर आपको बजट नहीं है तो एक बात अलग है कि आप गेनर पी रहे हो तो पीते रहो आप, अच्छी बात है। अगर बजट है तो फिर प्रोटीन लगाएं गाइस आप, बजट हो के भी गेनर पे ना भागें, ठीक है गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी हो दबा के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दिख रहा होगा आपको बेल आइकन को दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें समीर गन फिटनेस 07 इंस्टाग्राम से अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक है, इस पे पहुंचो, फॉलो करो, क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी बताना भूल गए हो। तो गाइस ये थे टॉप 5 सप्लीमेंट फॉर साइज गेन और वे हमारी बल्किंग के लिए, इसको ऐड करें, अच्छी डाइट लें, आपको 1 मंथ में ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल। सामने आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठोक दो और अपना चैनल सपोर्ट होता रहेगा। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लें, बीस्ट फिटनेस के नाम से चैनल है, रोज आपको एक नई वीडियो हेल्थ रिलेटेड मिलती है रोज। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।